अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों, जैसा कि आप तमाम को पता है कि हम अलग अलग सोर्सेज के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं शिक्षक भर्ती के लिए। उर्दू मीडियम का हमारा चैनल है, उर्दू मीडियम के तलबा तक हमारी हर एक चीज़ जो है पहुंच सके उसकी हम कोशिश करते हैं। मवाद हो, इन्फॉर्मेशन हो, या आपके लिए कोई भी नॉलेज हो, जैसा कि मैंने आपको अलग अलग चैनल्स के लिए आपको सजेस्ट किया होगी, ये चैनल्स लो, वो चैनल्स वगैरह वगैरह, बहुत सी किताबें मैंने बताया वो उर्दू मीडियम के तलबा के लिए जो हिंदी में, मराठी में है, उर्दू में है वगैरह वगैरह। आज का ये वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि मैंने किताबें या फिर कोई चैनल्स वगैरह तो बता ही दिया हूँ, लेकिन आपको मैं आज जो है अलग अलग जो ऐप्स है, दो चार बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है जो आप अपने फ़ोन में रखेंगे तो आपकी शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मुझे पूरा यकीन है, और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं अलग अलग ऐप्स बताऊंगा और वो ओपन करके बताऊंगा आपको कि कितने ज़बरदस्त उसमें जो है मटेरियल है, मवाद है, उसके आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो उर्दू मीडियम के तलबा तक ये चीज़ पहुँच सके इसलिए मेरे पास बहुत सालों से वो ऐप है और उसका मैं इस्तेमाल भी करता हूँ, तो वो आप ज़रूर जो है लेने की कोशिश करें। और आज लाइव लिया जाए क्या, ऐसा मेरा एक सवाल है, और लिया जाए तो क्या टॉपिक रहे, और सिस्टमेटिक आपको सवाल के जवाब देने की, मैं हर सवाल को वजाहत के साथ परफेक्ट जवाब देने की कोशिश करूंगा। लाइव लिया जाए क्या, ये भी एक मेरा सवाल है, तो इंशाल्लाह अगर लाइव लिया जाएगा तो आप कौन सा टॉपिक रहेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे तमाम वो ऐप्स जो आपके लिए 100% जो है फायदेमंद साबित होंगे। चलिए तो देखते हैं वो ऐप्स। तो दोस्तों देखते हैं आज हम, मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि वो कौन से ऐप है जो आपको शिक्षक भर्ती में आपको तैयारी में बहुत ज़्यादा आपका साथ देंगे। सबसे पहले आपको यह ग्रीन कलर में दिख रहा हूँ इंग्लिश कनेक्शन, इसी बोल कर ये जो दिख रहा है ये इंग्लिश कनेक्शन ऐप है। ये बहुत ही बढ़िया ऐप है जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये बहुत ज़बरदस्त जो है ऐप है। लेकिन ये जो ऐप है ये आपके जो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए, सीधी सी बात बोलूँ, लेकिन नॉलेज ये कभी भी खाली नहीं जाती। तो ये ऐप और ये यूट्यूब चैनल जो है, आप इनके नियर अबाउट 15 मिलियन से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर है। तो यूट्यूब चैनल इंग्लिश कनेक्शन और ये ऐप अगर आपने इंस्टॉल किया तो आपको इंग्लिश में इसका इम्प्रूवमेंट में या हर चीज़ में उसका फ़ायदा होगा। उसके बाद देखिए, अगर आप जनरली इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश जो है उर्दू ज़बान में सीखने के हिसाब से ये भी मुझे बहुत अच्छा ऐप लगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इंग्लिश बोलचाल सीखे, यहाँ पर देखिए इसका नाम है इंग्लिश स्पीकिंग बोलकर, ये भी बहुत जो है जनरली फ़ायदेमंद ऐप है, चाहे किसी भी एंगल से हो, शिक्षक भर्ती में हो या हमारे आम जिंदगी में हो। चलते हैं अगले ऐप की ओर जो कि बहुत ही मुफीद साबित होगा आपके लिए, जीके। यहाँ पर देखिए ये विज्ञान, यहाँ पर देखिए आपको जो है ये ऐप मिलेगा विज्ञान बोलकर, इसका इंग्लिश में आपको नाम दिख रहा होगा ये जनरल साइंस। जनरल साइंस ऐसा देखिए, ऐसा ऐसा विज्ञान का लोगो दिखा, वो आप इंस्टॉल करें। जीके इन हिंदी, ये वाला भी ऐप बहुत बढ़िया है, 30,000 वन लाइनर क्वेश्चन है इसमें, 30,000 देखो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सीधा सीधा। ये देखिए भारत सामान्य ज्ञान, विश्व का सामान्य ज्ञान, संविधान, राज्य व्यवस्था, विज्ञान सामान्य ज्ञान, खेल कूद सामान्य ज्ञान वगैरह वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़बरदस्त जो है 30,000 सवाल आते इसमें जो है आपको मिल जाएंगे, जो कि शिक्षक भर्ती की तैयारी में आपको बहुत, मैं बहुत सिलेक्टेड ऐप बता रहा हूँ, आप ज़रूर ये इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद में आते हैं अगले ऐप की तरफ। अगला ऐप है हमारा दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा आपको इंडिया जीके, ये वाला भारत का सामान्य ज्ञान, नाम सामान्य ज्ञान, इंडिया जीके इन हिंदी, आपको आपके मोबाइल में ये रखना है हमेशा हमेशा के लिए। सिर्फ तात्पुरता मत रखिए, कामापुरता मामा, आपको ये जो है ऐप्स आगे बहुत फ़ायदे देंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो ये शिक्षक भर्ती के जनरल नॉलेज के लिए, ये दो अभी जो मैंने दो ऐप बताया वो जनरल नॉलेज के बहुत कम। इंडियन, ये देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था, बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, इसमें आपको A to Z जो है संविधान के बारे में या हमारी राज्य व्यवस्था जो चलती है, पॉलिटिक्स या सियासी जिसको बोलेंगे आप, उसकी मालूम मिल जाएंगी। अगला ऐप है हमारा दोस्तों जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, दो मिनट यहाँ पर, ये देखिए NCERT हिंदी बुक सॉल्यूशन, ये देखो NCERT बहुत ही ज़बरदस्त, इसमें पूरे NCERT के बुक्स है, पहली से लेके तो 12वीं तक पूरे NCERT के बुक्स है। अगर आप शौकीन हैं NCERT के बुक्स पढ़ने के, CET के लिए, कोई दूसरे एग्ज़ाम के लिए, या अपने शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम के लिए, इसमें इतना मवाद है कि आप इसके ज़रिए आप नोट्स बना सकते हैं। इसका नाम है देखो NCERT हिंदी,
ये ऐप आप ले लो। आप सबसे बढ़िया जो है काम, सबसे बढ़िया आपके काम का जो है ऐप मैं बताने की कोशिश करूँगा। अगला ऐप है हमारा दोस्तों, यहाँ पर आ जाओ नीचे, स्पर्धा ग्राम। ये देखो मराठी में है, EMPSC कट्टा वाले के ज़रिए ये ऐप है, स्पर्धा ग्राम बोल के। अच्छा ऐप है, बढ़िया जो है ये देता है, ये एक रजिस्ट्रेशन करना होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। स्पर्धा ग्राम ये ऐसा लोगो है, देखो आप देख सकते हैं, सबसे बेस्ट ऐप आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट ऐप है हमारा दोस्तों, यहाँ पर देख रहे होंगे आप बोलते हैं कि सर क्या लेना क्या लेना, तो ये देखो रीजनिंग तर्क शक्ति, इतना बढ़िया ऐप है ये, आपको एक ही जगह पे तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। हिंदी में है, ज़हनी आजमाइश का ये ऐप है। यहाँ देखो शाब्दिक तार्किक योग्यता, वर्बल नॉन वर्बल लॉजिकल, उसके बाद में आ जाओ यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट, ये प्रैक्टिस टेस्ट 4 वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी, हर चीज़ इसमें आपको मिलेंगी। अगला ऐप है हमारा मराठी व्याकरण, ये इस टाइप का जो है लोगो है, ये वाला ऐप लो आप जब भी लेंगे तो, क्योंकि ये ऐप में जो है आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, तमाम चीज़ें। अब देखो मैं आपको बताता, सॉरी ये मेरा ऐप खुला है कि मराठी, देखो यहाँ पर वर्ण विचार, संधि, शब्द विचार, नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रिया विशेषण, जितने पूरे स्पर्धा परीक्षा में जितना भी मराठी ग्रामर है वो एक ऐप के ज़रिए आपके पास भले ही कोई किताब ना हो, इसके ऊपर से आप नोट्स बना सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका इससे 100% फ़ायदा होगा, बस मेरी बात को थोड़ा सीरियस लो और ये ऐप इंस्टॉल करो। अदरवाइज़ जो है, वीडियो अच्छा लगा हो तो उर्दू मीडियम में खुसूसन शेयर करो, किसी भी मीडियम में ये ऐप कोई भी ले सकता है, बहुत फ़ायदा देंगे मुझे पूरी उम्मीद है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताओ आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ, ये हुआ तो मुझे कमेंट करके बताओ। अस्सलामुअलैकुम।